नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के बड़ापुर की, जहां बड़ापुर पुलिस द्वारा अपने साथ झूठी लूट की घटना का षड्यंत्र रचकर स्वयं लाखों रुपए का गबन करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बीती 9 जनवरी को सिहारा के ग्राम कोकपुर निवासी जयसिंह ने बड़ापुर थाने पर पुलिस को अपने साथ लूट की तहरीर दी थी। जयसिंह ने बताया कि वह अपनी मोटरसाइकिल से नारकपुर से नगीना जा रहा था, तभी बड़ापुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बेनीपुर कोपा के पुल के पास बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी और लगभग 2 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बता दें कि जयसिंह नगीना स्थित नवन फाइनेंस कंपनी में एजेंट के रूप में कार्य करता है। घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा बड़ापुर पुलिस को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिसके बाद पुलिस टीम गठित की गई और पुलिस द्वारा कार्रवाई करने पर पता चला कि जयसिंह ने स्वयं ही पैसों का गबन कर लूट का षड्यंत्र रचा था। पूछताछ में पता चला कि जयसिंह को अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन पैसों की व्यवस्था कहीं से भी नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद जयसिंह ने षड्यंत्र रचकर फाइनेंस कंपनी के करंट किए हुए कैश को स्वयं ही गबन कर लूट की झूठी घटना दर्शा दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी जयसिंह को गिरफ्तार कर गबन किए हुए 1,80,990 रुपए और घटना में प्रयोग किया हुआ बैग बरामद कर लिया है। एसपी ग्रामीण रामर्ज ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया और जानकारी देते हुए बताया, इसमें 9 जनवरी को सायंकाल जयसिंह पुत्र नरवेश सिंह, जो नम्रा फाइनेंस कंपनी नगीना में जो है एजेंट के रूप में काम करते हैं, ये कलेक्शन का काम करते हैं, ये बड़ापुर उधर क्षेत्र से कलेक्शन करके वापस आ रहे थे। सायंकालीन बेनीपुर कोपा पुल के पास इन्होंने जो तहरीर दिया उसमें बताया कि वहाँ मैं आ रहा था तो दो लोग मोटरसाइकिल से पीछे आए, मेरी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दिए, जिससे मैं नीचे गिर गया और बेहोश हो गया, और मेरा बैग जो है उसमें लगभग 2 लाख रुपए थे वो लेकर भाग गए। इनके इस तहरीर के आधार पे थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ, इसकी तफ्तीश चालू हुई। पहले दिन इन्होंने बताया कि मुझे बहुत सारी ज़्यादा चोट है, और फिर इनको वहाँ से CSC से रिफ़र करके जिला अस्पताल भेजा गया, यहाँ इनका अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, लेकिन कहीं किसी प्रकार की चोट उसमें नहीं आई। फिर धीरे धीरे इसमें तहकीकात चालू हुई, इनको घटनास्थल पर ले जाकर हम लोग घटना जो सीन है क्राइम सीन को रिकॉन्स्ट्रक्ट किया, तो सब में विरोधाभास था। जो ये पहले बताए उसमें कुछ और बताने लगे, जो इनके साथी पहुँचे थे उन्होंने कुछ और बातें बताया, तो इस हिसाब से घटना पहले से ही संदिग्ध लग रही थी। इसमें हम लोगों ने टीम बना करके बड़ापुर पुलिस ने बहुत मेहनत करने के बाद जो है और इस घटना का खुलासा किया, और जब ये जानकारी हुई, इनसे पूछताछ की गई, तब जाके आया कि इनको पैसे की सख्त आवश्यकता थी, बहन की शादी थी, पैसे कहीं से मिल नहीं रहे थे, तो इन्होंने जो अपने फाइनेंस कंपनी से जो इन्होंने कलेक्शन किया था, इनके मन में आ गया लालच कि उसी पैसे को हम गबन कर लें और इसका एक झूठा जो है लूट का मुकदमा दर्ज करा दें, ताकि जो है ये इसमें हो जाए कि हमारा धन लूट लिया गया और वो पैसा सारा अपना जो है अपने काम में लगा लें। तो इसमें पुलिस ने बड़ी गहराई से तफ्तीश की और इनको जो है पूछताछ करके फिर इससे इनसे रिकवरी किया, 1,80,990 रुपये जो कलेक्शन का था इनका, पूरी धनराशि बरामद कर लिया हम लोगों ने, और बैग जिसमें इनका पैसा लेके आए जो छीनने के बाद बता रहे थे, तो बैग भी बरामद कर लिया। आप देख लीजिए नोटों के विवरण से ही ऐसे लग रहा है कि 10, 20, 50, 100 के ऐसे नोटे हैं, लोगों से जैसे गांव में लोगों से किसानों से वगैरह से कलेक्ट करते हैं उसी टाइप के नोटे हैं। इस प्रकार जो है ये कि जो झूठी लूट की घटना इनके द्वारा बता करके पैसे का गबन करने का कोई कोशिश की गई है, तो वो जो है पुलिस ने बरामद किया और एक सराहनीय कार्य जो है पुलिस द्वारा किया गया, और इसमें काफ़ी मेहनत और टीम को बधाई, और इनको मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करूंगा कि इन्हें एक प्रोत्साहन है तो धनराशि जो है पुरस्कार प्रदान की जाएगी। और इसी के साथ जुड़ा है बंधन समाचार के साथ।